द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज रिड्यूस ग्रेडुअली यानी कि उसकी जो लेंथ है वो धीरे धीरे क्या हो रही है कम हो रही है धीरे धीरे उसकी लेंथ क्या हो रही है कम हो रही है तो कीपिंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टोन अबाउट सेंटर ऑफ द सर्कल कॉन्सटेंट एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट क्या रखना है कॉन्सटेंट रखना है इसकी जो लेंथ है पहले मान लो एल थी अभी ये धीरे 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 क्या हो रही है कम हो रही है यानी कि रेडियस मान लो आर इसकी लेंथ कितनी थी स्ट्रिंग की आर थी अब ये धीरे धीरे इसकी लेंथ क्या हो रही है कम हो रही है एंगुलर मोमेंटम को क्या रखना है हमें कॉन्स्टेंट रखना है इस सेंटर के अबाउट तो ये बताना है देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गिवन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग ये रखी आपको वेयर ए इज कॉन्स्टेंट आर इज इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ द सर्कल द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन बताने क्या होगी तो यहाँ पे मोमेंटम क्या रखना है कॉन्स्टेंट मोमेंटम क्या रखना है आपको कॉन्स्टेंट रखना है तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू उमेगा एल इक्वल टू आई इंटू उमेगा और मान लो कि ये घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे तो वी की वैल्यू तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टोन है मास है तो एम आर स्केर इंटू में उमेगा क्या हो जाएगा वी बाई आर वी इक्वल टू क्या होता है आर उमेगा तो उमेगा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी वी बाय आर के बराबर या फिर उमेगा रख लो तो ये कितना आ जाएगा अब इंटू में उमेगा तो एम आर स्केर इंटू में क्या हो जाएगा उमेगा अब ये क्या कह रहा है इसको क्या रखना है इसको कॉन्स्टेंट इसको क्या रखना है कॉन्स्टेंट रखना है तो यहाँ से आपके पास उमेगा की जो वैल्यू है यानी कि कॉन्स्टेंट है इसको क्या रख लो आप के बोल दो यहाँ से सीधा ये क्या है आपके पास एम आर स्केयर इंटू ओमेगा ये वैल्यू क्या है आपके पास कॉन्स्टेंट है के तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी के बाय में एम आर स्केर ये क्या आ जाएगी आपके पास ओमेगा की वैल्यू मास भी वैसे कॉन्स्टेंट है तो ओमेगा की वैल्यू के बाय में आर स्केयर लिख सकते हो क्या लिख सकते हो के बाय आर स्केयर तो इस पूरे को ही मैंने कॉन्स्टेंट बोल दिया के तो उमेगा आ गया आपके पास के बाय आर स्केयर क्योंकि इसने बोला है कि लेंथ धीरे धीरे कम हो रही है और हमें एंगुलर मोमेंटम सेंटर के बाद क्या रखना है कॉन्स्टेंट रखना है तो टेंशन इन स्ट्रिंग ये आपको दे रखी है वैल्यू ऑफ एन बतानी है तो ऐसे एल इक्वल टू आई उमेगा तो एम आर स्केर इन टू उमेगा कॉन्स्टेंट है तो यानी कि एम आर स्केयर इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिया उमेगा की वैल्यू के बाय में एम आर स्केर आ गई या के बाय आर स्केर लिख लो एम भी तो कॉन्स्टेंट ही है आर चेंज हो रहा है जो स्ट्रिंग में टेंशन होगी वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगी तो टी की जो वैल्यू होगी इसके बराबर होगी एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर यानी कि एम आर ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास के बाय में आर स्क्वायर का के बाय में एम या फिर यहाँ पे के बाय में आर स्क्वायर का स्क्वायर तो आ जाएगा एम आर के स्क्वायर में आर की पावर फोर तो आ जाएगा एम इंटो में के स्क आर की पावर माइनस थ्री ये आएगा आपके पास वैल्यू तो यहाँ पे यह पूरा क्या है कॉन्स्टेंट ही है तो टेंशन जो आ गई वो ए इंटू आर की पावर क्या लिख सकते हो माइनस थ्री ए इक्वल टू क्या आर की पावर माइनस थ्री तो यहाँ पे एन की जो वैल्यू है वो कितनी आपके पास माइनस थ्री है डी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है इसने बोला है कि एक्स स्ट्रिंग के साथ बोलबंदी और वो क्या कर रही है सर्कुलर पाते घूम रही है धीरे धीरे स्ट्रिंग की लेंथ कम हो रही है एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट है तो टेंशन जो दे रखी है वो आपको ये दे रखी है टी इक्वल टू ए इंटो में आर की पावर एन एन की वैल्यू क्या होगी तो एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट है तो वहाँ से हमारे पास उमेगा आ गया हमें पता है टेंशन जो होती है क्या होती है एम आर उमेगा स्क्यर अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो टेंशन क्या हो गया सेंट्रीप्यूअल फोर्स काम करेगी तो एम आर उमेगा स्क्यर उमेगा की वैल्यू ये आ गई तो टेंशन ए इक्वल टू आर की पावर माइनस थ्री तो एन की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री